दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई बार बार अपना फ्लोर प्राइसिंग सेट करने का जहां तक बयान आता है तो वहां पे अपना बयान बदलते रहता है। दोस्तों पिछले 2017 से लेकर अभी तक में दोस्तों ट्राई ने बहुत बारी जो है फ्लोर प्राइसिंग सेट करने के मामले में अपना बयान बदला है। बहुत बारी दोस्तों यहां पे ट्राई एग्रेसिव था फ्लोर प्राइसिंग सेट करने में, तो कई बार दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां जो है इसे रोक लगा दी थी, जैसे एयरटेल आइडिया वोडाफोन ने। यहां पे दोस्तों मैं आपको बात कर लूं कि अभी के डेट में यहां पे सारे प्लान आपके महंगे हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आप लोग एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो बीएसएनएल सिम कार्ड हैं तो दोस्तों अभी जो है आपके सारे प्लान महंगे हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों कल के डेट में मेरे चैनल पे दो गिवअवे आएंगे, रिचार्ज गिवअवे, जिसमें मैं दो यूजर्स को जो है फ्री का मोबाइल रिचार्ज दूंगा एक महीने के लिए अनलिमिटेड प्लान। तो दोस्तों इसके लिए आपको बस टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड, जो भी सिम कार्ड आप लोग यूज करते हैं, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन को बजा लेना है, ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके वीडियो में आगे बढ़ना है। दोस्तों मैं अभी आपको बता दूं कि यदि आप लोग एयरटेल आइडिया वोडाफोन और जियो सिम कार्ड के यूजर्स हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां पे एक सम्मेलन में दोस्तों यहां पे ट्राई के चेयरमैन दोस्तों आरएस शर्मा जो है जो अभी बहुत ही ज्यादा हिटमैन है, बहुत सारे लोग इसे पहचान भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा मुद्दा आया है एजीआर को रिलेटेड और टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो इसको लेकर के दोस्तों बहुत सारे लोग, आम पब्लिक भी आरएस शर्मा को पहचान रहे हैं, आप लोग भी पहचान ही रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं भी अपना थंबनेल में वीडियो में बहुत बारी आरएस शर्मा का जिक्र करता हूं। तो दोस्तों यहां पे ट्राई का जो चेयरमैन है वो है आरएस शर्मा, ठीक है, ये सरकारी संस्थान है और दोस्तों यहां पे सभी टेलीकॉम का दोस्तों यहां पे लेखा जोखा है और सभी का दोस्तों एक तरह से माई बाप बोल लीजिए तो ट्राई ही है, ठीक है दोस्तों। तो ट्राई के अंदर ही सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, सभी टेलीकॉम कंपनियों को काम करना पड़ता है। तो यहां पे दोस्तों ट्राई ने दोस्तों कई बार जो है फ्लोर प्राइसिंग सेट करने का प्रस्ताव दिया था सभी टेलीकॉम कंपनी को, ठीक है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां कई बार तो एतराज कर रही थी कि यह मामला इसे यहां से हटाने को बोल रही थी, लेकिन दोस्तों अभी के डेट में यहां पर एयरटेल आइडिया वोडाफोन को इससे नुकसान लग रहा है। वहीं पर दोस्तों एयरटेल के हेड दोस्तों सुनील मित्तल जी ने यहां पर आर एस शर्मा के सामने में मुद्दा रखा है कि यहाँ पे सभी टेलीकॉम कंपनियों के जो है फ्लोर प्राइसिंग सेट कर दिया जाए, एक प्राइस रेंज के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पे जो है प्लान देने का पेशकश किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों जब पत्रकार से एक वार्तालाप हो रहा था दोस्तों कल, लीजिए आर एस शर्मा ने यहाँ पे परसों के डेट में, दोस्तों मैंने कल के डेट में भी वीडियो बनाया था, तो आर एस शर्मा ने यहाँ पे क्लियर किया है कि अब जो है मैं फ्लोर प्राइसिंग सेट करने की ओर यहाँ पे अपना समिति गठन कर रहा हूँ और यहाँ पे आगे सोच विचार कर रहा हूँ, विचार विमर्श कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आर एस शर्मा ने साफ साफ कर दिया है कि अब जो है जहाँ पे दोस्तों जियो अभी आपको 25% आपको सस्ते दे रहे हैं ऑल टेलीकॉम कंपनियाँ से, तो वहीं पर फ्लोर प्राइसिंग सेट होने के बाद आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जियो अभी 25% सस्ते दे रहे हैं, वहीं एयरटेल आइडिया वोडाफोन के सभी प्रीपेड प्लान आप मिला लीजिए तो दोस्तों आपको एयरटेल आइडिया वोडाफोन में थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों जो है एक फ्लोर प्राइसिंग के अंदर में काम कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो वही रेंज आप लोगों के लिए सरकार यहां पे बैठा देगी, सरकार के दोस्तों अंदर वो पब्लिक का भी हित देखेगी और दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों का। तो यहां पर सरकार के द्वारा जो फरमान जारी होगा, ट्राई के द्वारा जो फरमान जारी होगा, उसमें जियो का प्राइस ऑब्वियसली दोस्तों बढ़ेगा, ठीक है। अभी जियो का जो भी प्लान चल रहा है, जैसे 98 से चल रहा है, 149 से चल रहा है, ये सारे प्लान को इंक्रीज किया जाएगा। और दोस्तों अब जो है यहां पे आयुषी का जहां तक मामला है, मैंने थंबनेल पे भी यूज करा था, तो आयुषी दोस्तों यदि अभी फ्लोर प्राइसिंग सेट किया जाएगा ट्राई की तरफ से, तो आयुषी जो है वो खत्म करना पड़ेगा जियो को। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा खुशखबरी भी हो सकता है और बहुत बड़ा बैड न्यूज भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जियो में जो भी सस्ते प्लान यूज कर रहे हैं उसके लिए ये बैड न्यूज भी हो सकता है, और जियो का आयुषी जो खत्म करना चाह रहे थे, जो यूजर चाह रहे थे जियो का आयुषी खत्म हो जाए, उसके लिए ये हैप्पीनेस न्यूज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहां पे यदि दोस्तों आरएस शर्मा का समिति ऐसा कुछ करती है जिसमें कि फ्लोर प्राइसिंग सेट कर दिया जाए, तो दोस्तों सारे टेलीकॉम कंपनियों के लिए वॉइस कॉलिंग और सारे चीज का प्लान सेट किया जाएगा, तो यहां पे आयुषी भी ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक में दोस्तों ये फ्लोर प्राइसिंग सेट होते हैं और कब तक में आयुषी खत्म होते हैं, और दोस्तों ये जो है जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बना के जरूर से जरूर सबसे पहले देने का कोशिश करूंगा। तो आज का मुद्दा यही था कि फ्लोर प्राइसिंग सेट होगा तो क्या आयुषी खत्म होगा। जी हां दोस्तों, ऑफ कोर्स अभी आयुषी खत्म होगा, क्योंकि फ्लोर प्राइसिंग के अंदर आयुषी भी आता है दोस्तों, क्योंकि अभी आयुषी का जहां तक मामला है तो वो ट्राई के अंदर ही है, ये पेचीदा मामला फंसा हुआ इसीलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जियो का कहना है कि सबसे ज्यादा आयुषी के रूप में जो कर है, जो टैक्सेस है, वो जियो पे कर रहे थे सभी टेलीकॉम कंपनियों को, एयरटेल आइडिया वोडाफोन को 6 पैसा पर एक मिनट के बदले। तो इसीलिए दोस्तों जियो का मनमानी अभी तक चल रहा है, एक तरह से मनमानी ही बोल लीजिए, लेकिन दोस्तों जब इसके पीछे ट्राई लग गई है, ट्राई हाथ धो के लग गई है दोस्तों,
कर लीजिए, तो अब आयुषी इसे खत्म करना पड़ेगा और एक प्राइस रेंज में सभी टेलीकॉम कंपनियों को प्लान लाना पड़ेगा दोस्तों। तो यही एक कुछ अपडेट था, आप लोग को सोचा मैं दे दूं। और आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।